सदन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पीएस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें, फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी में काफी चली थी और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफी पसंद आया था और फैंस ने काफी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है।
अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कलासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रूम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केबल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में, अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्किनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक
एक स्टैंड अप मेडिसियन की रूप भूमिका निभाई और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिस्टर विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी, जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम, सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्र तिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूज
अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू, जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की, उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 और 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता, जगन्नाथम 2017 और अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी।
उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मोदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह वैकुंठपुरम 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जग्गनादम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्किनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी, जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समु थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज
12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने 280 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रम पीएस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रि विक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्य 2004 में अभिनय किया था जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था।
उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद समिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में, अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्कीनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था।
पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रि विक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समूह थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रम PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रि विक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा।
अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू, जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज़ की गई थी, और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज़ किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की, उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी, और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नकदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देश मुद्रो 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके
दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह वैकुंठपुरम 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जग्गनादन 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम के मूवी में अल्लाह वैकुंठपुरम मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अकिनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड अप मेडिसियन की भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समु थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में,
इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पीएस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्म
एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में, अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्किनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई
आशिकी आगई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिस्टर विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रि विक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्र थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रि विक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था।
बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अलका वेलंकटपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार स्थवन द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अलका वेलंकटपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नकदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 और 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नकदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह वेलंकटपुरम मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की
अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह वैकुंठपुरम 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद समिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जग्गनादन 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्किनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी, जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समूह थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी।
सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पीएस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था।
सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्रम आवेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरमुल्लु 2020 और पुष्पधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में। उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्रम आवेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरमुल्लु 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरमुल्लु के मूवी में, अल्लाह बैकुंठपुरमुल्लु मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अकिनोनी के साथ बोम्मा रिल्लु भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड अप मेडिसियन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिस्टर विजय के साथ
13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समूह थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था।
बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, यह एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नकदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 और 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नकदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्रम आवेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्रा मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था।
उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। ओक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुव्वादा जग्गनादन 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्किनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपर स्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्रकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए।
बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लु मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रम पीएस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्य 2004 में अभिनय किया था जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम 2010 जुल्ले 2012 और रेस ग्रुम 2014
पुत्र सत्यमूर्ति 2015 और रुद्रम आवेदी 2015, सारे नायडू 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में आपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्ला वैकुंठपुरम मुल्लु 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्रमावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्ला वैकुंठपुरम मुल्लु 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंद सम्मिति वी राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्ला वैकुंठपुरम मुल्लु के मूवी में, अल्ला वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्कीनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिह्नित किया था।
साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरमुलु को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरमुलु मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरमुलु मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्रकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरमुलु को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरमुलु मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरमुलु जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरमुलु मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री
पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्य 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देश मुद्रो 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों, अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
उक्कल लैला कुसुम और अरविंदा समिति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुव्वादा जग्गनादन 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अकिनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्षन द्वारा निर्देशित बिस्टर विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी, जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्र थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 6 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था और
फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमशः पी एस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रि विक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें, फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों, इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कलासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है।
डीजे दुआ था जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021। वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मोदी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंदा सम्मति भी राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुव्वाद जग्गानादम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और अचारे में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्कीनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्षन द्वारा निर्देशित बिस्टर विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर के फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी, जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित श्री विक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद तिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू, जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी
और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपने किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्य 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्र मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों, अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
उक्कल लैला कुसुम और अरविंदा समिति भी राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जगन्नाथम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अकिनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बातें करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समू थिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था और
फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है, जबकि छायांकन और संपादन क्रम पी एस विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें, फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों, इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था, जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लु मूवी में काफ़ी चली थी। और फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपर स्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों, फिल्म में सुपर स्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों बात करें, फिल्म में सुपर स्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्य 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देश मुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्र मावेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है।
डीजे दुआ था जगन्नाथम 2017 और अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्रा मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्हें एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उक्का लैला कोसम और अरविंदा सम्मति वीर राघवन 2018 के लिए तेलुगु। उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुव्वाद जग्गानादम 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी 3 महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू के मूवी में अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अकिनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था, जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की रूप भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। साउथ इंडियन की सुपरहिट फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू को दोस्तों हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक बातें को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन को बतलाएंगे जो दोस्तों आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें दोस्तों सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी जिसे ABPL भी कहा जाता है, यह एक 2020 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे लिखित और निर्देशित त्रिविक्रम श्रीनिवास द्वारा किया गया था और अल्लू अरविंद और एस राधा कृष्णा द्वारा क्रमश गीता आर्टर्स और हारिका और हसीन क्रिएशंस बैनर फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े के साथ तब्बू, जयराम सुशांतो और निवेदा पेतुराज, समुद्र तिरकानी, मुरली शर्मा, नवदीप, सुनील, सचिन खेड़ेकर, हर्षवर्धन और राजेंद्र प्रसाद अन्य सहायक भूमिका निभाते हैं। जबकि फिल्म का रिलीज 12 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज की गई थी। दोस्तों बात करें इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इस फिल्म को बनाने में लगभग बजट लगा था 100 करोड़ के आसपास और ये फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पे अपने दूसरे 80 करोड़ के कमाई के साथ ये फिल्म धमाल मचाई थी। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की फिल्म अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू को हिंदी भाषा में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। बात करें दोस्तों फिल्म का निर्माण, अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी का निर्माण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ और दिसंबर 2019 को पूरा हुआ था। इसे पूरा हैदराबाद में फिल्माया गया था जिसमें गाने विदेशों में शूट किए गए थे। फिल्म में एस थमन द्वारा रचित साउंडट्रैक है जबकि छायांकन और संपादन क्रमश PS विनोद और नवीन निल्लू द्वारा नियंत्रित किया गया था। 11 जनवरी 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के बाद फिल्म को संक्रांति के अवसर पर 12 जनवरी को नाटक के रूप से रिलीज किया गया था। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और आलोचकों ने कलाकारों के प्रदर्शन, कहानी त्रिविक्रम के लेखन और निर्देशन और थमन के संगीत की प्रशंसा की थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े, पुनीत राय, जयराम सुशांत और निवेदा पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह बैकुंठपुरा मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी
और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है, जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है, जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों, बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, यह एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता है, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने नदी स्पेशल जूरी अवार्ड अर्जित किया था। उन्होंने एक्शन फिल्मों में बनी 2005 और देशमुद्रु 2007 के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए 2008 में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा पुरुगु में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार जीता था। सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने आर्या 2 और 2009 में वेदम, 2010 जुल्लई, 2012 और रेस ग्रुम, 2014 पुत्र सत्यमूर्ति, 2015 और रुद्रम आवेदी, 2015 सारे नेडू, 2016 जैसे उल्लेखनीय फिल्मों में अपने अभिनय किया है। डीजे दुआता जगन्नाथम 2017 और अल्ला बैकुंठपुरमुल्लु 2020 और पुष्पाधर राय 2021 वेदम में एक निम्न श्रेणी केवल के ऑपरेटर के रूप में और रेस ग्रुम में एक लापरवाह स्ट्रीट स्मार्टमैन के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तेलुगु के लिए 2 और फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार भी जीते हैं और उन्होंने रुद्रा मावेदी में राजकुमार को गुन्ना गन्ना रेड्डी में उनके चित्रण के लिए, पुष्पाधर राइज में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बहुत प्रशंसा मिली थी, जो 2021 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म के रूप में उभरी। और बात करें दोस्तों, फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी तमिल फिल्मों के अलावा मुख्य रूप से तेलुगु फिल्म में भी दिखाई देती है। सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2010 में IMC मिस यूनिवर्सिटी में दिखाई दी थी। उन्होंने एक मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया और फिल्म मुग्गा मुद्दी 2012 और 2012 अभिनय की शुरुआत करके दिखाई देती है। उन्होंने मॉडलिंग के रूप में अपना करियर शुरू किया और पूजा हेगड़े ने खुद को तेलुगु सिनेमा की अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया था। बात करें दोस्तों, अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने अल्लाह बैकुंठपुरमुल्लु 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु के लिए सिम्मा पुरस्कार जीता था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
उक्कल लैला कुसुम और अरविंद समिति भी राघवन 2018 के लिए तेलुगु उनकी अन्य व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दुवादा जग्गनादन 2017, महर्षि 2019 और गंडलकोंडा गणेश 2019, हाउसफुल 4 2019 और मोस्ट एलिजिबल बैचलर 2021 शामिल है। उन्होंने 2022 में राधे श्याम जानवर और आचार्य में उनकी तीन महत्वपूर्ण और व्यावसायिक विफलताएं थी जिनमें उनके करियर में बाधा डाली थी। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े, ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो तेलुगु फिल्म में काम करती है। फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े की जोड़ी काफ़ी चली थी। और बात करें दोस्तों अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू के मूवी में, अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में ये अभिनेत्री और सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भी जाने जाते हैं। 2021 में पूजा हेगड़े ने अखिल अक्कीनोनी के साथ बोम्मा रिल्लू भास्कर द्वारा निर्देशित मोस्ट एलिजिबल बैचलर और अभिनय किया था जिसमें उन्होंने एक स्टैंड ऑफ मेडिसिन की भूमिका निभाई। और 2022 में पूजा हेगड़े ने राधा कृष्णा कुमार द्वारा निर्देशित प्रभास के साथ बहुभाषी अवधि की रोमांस फिल्म राधे श्याम में अपनी अभिनय किया था। पूजा हेगड़े के प्रदर्शन को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिल्म के गीत आशिकी आ गई ने भी पूजा हेगड़े को कृपा और शौली की सराहना के साथ साथ दर्शकों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की थी। उसी वर्ष उनकी पूरी फिल्म तमिल फिल्म थी और नेलक्सन द्वारा निर्देशित बिष्ट विजय के साथ 13 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने 9 साल के अंतराल के बाद तमिल सिनेमा में उनकी वापसी को चिन्हित किया था। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में लगभग 262 करोड़ से लेकर 280 करोड़ की कमाई के साथ यह फिल्म अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली साउथ इंडियन की फिल्म में से एक है। 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक माना जाता है। और दोस्तों बात करें फिल्म ने 10 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते हैं। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तेलुगु और इसके लिए गीता के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े पुनीत राय जयराम सुशांत और निवेदिता पेतुराज जैसे और बड़े स्टार आपको ये फिल्म में देखने को मिलेगा। अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू जिसे 12 जनवरी 2020 में रिलीज की गई थी और ये फिल्म तेलुगु भाषा के साथ इंडिया में रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक कंपनी गीता कला द्वारा इस फिल्म का बनाई गई थी और इस फिल्म का वितरित गीता कला द्वारा वितरित किया गया था। दोस्तों बात करें अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी का संगीतकार एस थमन द्वारा दिया गया था जो संगीत काफ़ी पॉपुलर रहा था। बात करें दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े और अभिनेता अल्लू अर्जुन सर की जोड़ी ये अल्लाह वैकुंठपुरम मुल्लू मूवी में काफ़ी चली थी। और फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म में बंटू के रूप में अपना किरदार में है जबकि सुपरस्टार अभिनेत्री पूजा हेगड़े अमूल्य अम्मू के रूप में बंटू की प्रेमिका का किरदार निभा रही है जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया था और फैंस ने काफ़ी सराहना किया था। वैसे ही दोस्तों फिल्म में सुपरस्टार अभिनेत्री यशोदा वासु के रूप में तब्बू वंटी की जैविका माँ और राज की पालक माँ का किरदार में है जबकि राजेंद्र के रूप में जयराम और बंटू के जीविक पिता और राज के पालक पिता का किरदार निभा रहे हैं।
वैसे ही दोस्तों बात करें फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन, ये एक भारतीय अभिनेता है। साउथ इंडियन के सुपरस्टार अभिनेता अल्लू अर्जुन ने कई तेलुगु फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। वह दक्षिण भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं और अपने नृत्य के लिए भी जाने जाते हैं। वह कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता हैं, जिनमें 5 फिल्मफेयर पुरस्कार और दक्षिण और 5 नदी पुरस्कार शामिल है। अल्लू अर्जुन ने 2003 में गंगोत्री के साथ अपनी शुरुआत की थी और उन्होंने सुकुमार की पंथ कल्लासिक आर्या 2004 में अभिनय किया था, जिसके लिए उन्होंने